नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आप लोगों के सामने रेलवे की जबरदस्त भर्ती आने वाली है। ग्रुप डी का वैकेंसी का अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं हो चुका है कि 1 लाख पदों पर ग्रुप डी की भर्ती आएगी। अभी आपने देखा कि एएलपी में आपके पद बढ़ाए गए हैं, वैसे ही आपके टेक्नीशियन के भी पद बढ़ाए जाएंगे। इसका भी 100% कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है कि टेक्नीशियन के भी पद बढ़ाए जाएंगे। एक लेटर वायरल हुआ था, उस पर आपके आलोक सर ने एक वीडियो बनाया था कि ये हो सकता है कि ये सत्य हो जाए, और वो अब 90% ज्यादा उम्मीद लग रहा है कि आपके टेक्नीशियन के भी पद एएलपी की तरफ बढ़ाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी ऐलान हुआ है कि ग्रुप डी में 1 लाख से ज्यादा पद आने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे रेलवे का सपना देख रहे हैं, एकदम इस साल अपना सपना सच करिए। और रेलवे ने एक सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग चीजें स्टार्ट कर दी हैं, और हर साल वो कहीं ना कहीं कैलेंडर के अकॉर्डिंग भर्तियां देंगे। तो बहुत अच्छा है कि अगर वो कैलेंडर वाइज चलेंगे तो सभी को एक साल में रोजगार हर एक घर में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो अभी जो ये खबर है आप देखिए, यहां पर पेपर में निकल के आ रहा है कि रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं युवाओं का के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है, और अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। ये ध्यान रखिएगा, रेलवे में टोटल 2,40,000 पद क्या है अभी खाली पड़े हुए हैं। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी जैसा कैलेंडर में है, और रेलवे पहले पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं था। रेलवे इन रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी थी, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसमें भी 5,000 से अधिक पद आपके आ सकते हैं, भर्ती आ सकती। वहीं हाल ही में सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का जो आपका था भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बाद टेक्नीशियन भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। इस संबंध में भी रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों का रिव्यू मांगा है। माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या 9,144 से बढ़कर 30,000 तक हो सकती है, और यही लेटर आपका वायरल हो रहा है। तो यह माना जा सकता है कि 90% सत्य है यह खबर कि टेक्नीशियन के पद 30,000 होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अब आप जब जोनल वाइज वैकेंसी आपकी बढ़ेगी तो आपको ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप अपना जो फॉर्म है उसको जोन को चेंज भी कर सकते हो। जहां ज्यादा वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने चेंजेस कर सकते हो, तो उसके लिए घबराना नहीं है। अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो आपको चांसेस मिलेगा अपने जोन को, अपने आरआरबी को चेंज करने का, जैसे आरआरबी अभी एएलपी लोको पायलट में मिला है। तो रेलवे आपके लिए इस साल बहुत बेहतरीन तोहफा लेके आ रहा है। ग्रुप डी में आपके कम से कम 1 लाख पद आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो रेलवे में एनटीपीसी की भर्ती भी आपकी आने वाली है। एनटीपीसी की भी आपके ऑलमोस्ट 10,000 प्लस ही वैकेंसी आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ग्रुप डी का तो पता चल गया, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो पैरा मेडिकल की यहां 5,000 से अधिक पदों की बात की जा रही है, तो एक लेटर आपका अभी यहां पर देखेंगे, ये आपका वायरल हो रहा है। ये लेटर भी पैरा मेडिकल से रिलेटेड है, आपको इस पर पहले भी वीडियो बनाया जा चुका है। यहां पर साफ साफ अभी जो रिक्त पदों की बात यहां पर की गई है, हो सकता है ये बढ़ेगा। ये जो लेटर आप देख रहे हैं इसमें आपके अलग अलग पोस्ट दिया है, कार्डिक टेक्नीशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डायटिशियन, स्टाफ नर्स, डेंटल हाइजीनिस्ट, इन सब मिलाकर 1,350 वैकेंसी की बात यहां पर कर रहा है। लेकिन जो पेपर में बोला जा रहा है कि अभी इसकी
जो प्रक्रिया है वो अभी चल ही रही है। हो सकता है कि ये पद बढ़ के जो 5,000 बोला है उसी के आसपास आपके आएंगे। तो वही बोला है यहां पर, इंस्ट्रक्शन वेर इशू वाइड वाइड ए बोर्ड लेटर नंबर इतना डेट 10/4/2024 से लेकर 23/4/24 तक असाइनिंग ए वैकेंसी फॉर जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग डीएमएस सीएमए एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट एंड पैरामेडिकल कैटेगरी फॉर पोस्ट ऑफ जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट। तो ये आपके कहीं ना कहीं पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी का ये एक लेटर वैकेंसी का आपका वायरल हो रहा है, तो यहां पर दिया गया है। और आज के जो पेपर कटिंग में ये बोला गया है कि 5,000 पद, तो पैरामेडिकल में भी अच्छे खासे पद आपके आ रहे हैं। ग्रुप डी में अक्टूबर तक बोला जा रहा है कि आपकी ये वैकेंसी ग्रुप डी की आ जाएगी। तो तैयारी में आप सभी लोग लग जाइए, जो भी लोग रेलवे में इस साल नौकरी करना चाहते हैं आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय आपको कहीं ना कहीं लगता है तैयारी करने में। अगर आप फ्रेशर हो और आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो कम से कम आपको 4 से 5 महीना किसी भी एग्जाम में लगता है। तो आप यही मान के आज से ही कि मुझे ये जॉब करनी है, ग्रुप डी की जॉब लेनी है, चाहे मुझे एनटीपीसी में क्लर्क बनना है, मुझे टीटी बनना है, तो उसके लिए आप आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दें। बाकी रेलवे के जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, टीम परीक्षा प्लस के द्वारा बैच चलाया जा रहा है, आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से या वेबसाइट के माध्यम से जाके आप जुड़ सकते हैं। एनटीपीसी का भी हमारा बैच चल रहा है पहले से, अब ग्रुप डी का भी बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप परीक्षा प्लस वेबसाइट ओपन करिए, आरआरबी के कोर्स पे जाइए, वहां एनटीपीसी का कोर्स है, असिस्टेंट लोको पायलट का है, टेक्नीशियन का है, और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के भी पद आपके हैं। आप आरआरबी में जाएंगे तो आरआरबी के कांस्टेबल एसआई टेक्नीशियन और एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2 भी हम चला रहे हैं। तो आप यहां से कोर्स से जुड़ सकते हैं। आपकी जो तैयारी है, जो आप सोच रहे हो कि हाँ बहुत अच्छे से एग्जाम आते आते आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए, तो अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको इतनी तैयारी कर दी जाएगी कि जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन एकदम निश्चित हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ही रेलवे से रिलेटेड कोई और खबर हमारे सामने आती है, कुछ भी आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हम जरूर आपके समक्ष आएंगे। कोई किसी प्रकार की समस्या है आप लोगों को रेलवे नौकरी से रिलेटेड, चाहे एलिजिबिलिटी से, चाहे कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।